फ्रेंड्स, मैं विराज, आप देख रहे हैं फिल्मी राज। तो एक नए दिन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए चलते हैं फिल्मी सफर पे। आज की जो मूवी है उसका नाम है सोल। ये हॉलीवुड मूवी है। ये एक एनिमेशन और फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसे विदेशों में पहले ही मतलब रिलीज किया जा चुका था। अब भारत में भी वो अपनी क्रिसमस डे पे रिलीज हुई है। ये 100 मिनट की है। आप इसे डिज्नी पिक्चर पे देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके डायरेक्टर और सब मतलब मेकिंग कैसे हुई है। इसके डायरेक्टर हैं पीट डॉक्टर। इसके राइटर भी वही हैं पीट डॉक्टर। और इसके जो वो म्यूजिक दिया जॉन बटिस्टे ने और रेंट रेंजौर ने दिया है। और सिनेमेटोग्राफी की है मैट एसबरी ने किया है। अब बात करते हैं कास्ट की। तो कास्ट से पहले मैं बात करना चाहता हूँ, मतलब समय कैसा भी है वो बीत ही जाता है। तो बेसिकली अपना 2020 तो ऐसे ही रहा, आप लोग समझ सकते हैं, कोरोना महामारी सब लोग जूझे हैं। तो अब बात करते हैं कास्ट की। तो इसके जो कास्ट मेन हैं, जो गार्डनर का जो वो मतलब वॉइस ओवर किए हैं जेमी फॉक्स ने, और जो 22 अपने इसमें रोल किए हैं वो टीना फे ने उसको वॉइस दी हैं, और कल्ली जो ड्रमर बने हुए वो हैं क्वेस्ट लव ने उसका वॉइस ओवर किया है, और लिप्पा गार्डनर जो उसकी उनकी जो गार्डनर की जो मतलब मम्मी बनी हुई हैं उनको फिलिसिया राशद ने वॉइस ओवर किया है, और जो इजेला बसेट बनी हुई है उनको दोरोसिनो विलियम्स ने वॉइस ओवर किया है। तो बेसिकली इसकी बात करता हूँ अब थोड़ी स्टोरी ये है कि सोल क्या है, मैं कहना चाहूँगा मतलब 2000 बेस्ट की ये जाते जाते वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा पूरा एनिमेशन मूवी है। इसको याद रखेंगे आप। देखिए इसके मतलब जो विजुअल्स हैं, इसके डायलॉग्स जो हैं, इसके जो पूरा सिनेमेटोग्राफी की गई है, हर चीज़ बेस्ट। डायलॉग्स डिलीवरी जो भी है, कास्ट मतलब जबरदस्त, एक्टिंग हर चीज़ का मतलब, ये मैं नहीं रहता कि कोई मतलब जाना हुआ कोई एक्टर हो तभी मतलब कोई मूवी देखी। आप देखिए इसको, कहेंगे हाँ मतलब वाओ दैट्स अ ग्रेट, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी। चलिए बात करते हैं कहानी। कहानी यही है कि जो अपने जो गार्डनर है वो एक म्यूजिक टीचर रहते हैं। तो लेकिन उनका मेन सोच क्या है कि लाइफ में कि भाई कहीं वो जाके कोई म्यूजिक शो, बड़े म्यूजिक शो में जाके वो परफॉर्म कर सकें। तो उनका एक मतलब जो स्टूडेंट रहता है उनको एक जॉब भी ऑफर होती है कि मतलब पूरा फुल टाइम जॉब उनको ऑफर होता है। तो इसके बाद क्या था, एक उनका जो पढ़ाया हुआ मतलब स्टूडेंट रहता है तो वो उनको, वो ड्रमर है, तो वो क्या बेसिकली कि वो ऐसा कुछ करता है काम कि हाँ मतलब म्यूजिक का शो होने वाला रहता है, तो वहाँ पर उनको चांस मिलता है, तो वो इतने खुशी में रहते हैं। तो वहाँ जाते हैं, फिर रास्ते में जाते हुए क्या वो कुत्ता दबा देता है, कुत्ता दबा देता है, तो वो जाके एक मैनहोल रहता है उसमें जाके गिर जाते हैं। तो बेसिकली जो थीम ये इसका मूवी का यही है कि मैनहोल में जब गिरते हैं तो वो क्या दिखाया है, मतलब आत्मा जो जैसे क्या है, शरीर निकलने के बाद जो आत्मा जाती है जाके दूसरे वर्ल्ड में पहुंचती है। ये जो अपने जो गार्डनर वो भी जाने वाले हैं, लेकिन उनको क्या वो मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, तो वहां से वापस आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं, फिर वो वहां पे स्वर्ग में ही फिर उनको टास्क मिलता करने के लिए। आप देखिए मतलब जबरदस्त, क्या गजब स्क्रिप्ट है, क्या एक्टिंग है, मतलब हर चीज बेस्ट है। तो कहानी बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा पूरा, तो आप देखिए इसको फील करिए, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब जिस ढंग से मतलब कहानी कही गई है, बताई गई है, हर चीज बेस्ट है। तो आप इसको देखिए, बहुत जबरदस्त है। अब इसके बात करते हैं हम थोड़े पॉजिटिव टू नेगेटिव की। पॉजिटिव ये है कि इसकी एक्टिंग, इसकी डायरेक्शन जो है, इसके डायलॉग जो है, हर चीज़ मतलब जबरदस्त। आप देखिए फील करिए, मतलब कहीं ना आपको पूरा इमोशनली जुड़ाव महसूस करती है, बहुत जबरदस्त। आपको मतलब जुड़े रहने को पूरा मजबूर कर देती है कि मतलब आप हट नहीं सकते, एक बार भी अपनी नजर हटा नहीं सकते हैं मूवी से। इतनी जबरदस्त मतलब इतना एक्साइटिंग लगता है कि हाँ देखने के बाद आप कहेंगे हाँ पूरा एक बार बैठे तो पूरा मूवी देख लें। वो जबरदस्त कहूँगा। पॉजिटिव यही होगी कि इसकी जो स्क्रिप्ट हो गई, इसकी डायलॉग्स हो गए, इसके मतलब हर चीज़ सब पूरा कंप्लीट बेस्ट पूरा है। और नेगेटिव तो अगर बात करूँ मैं तो नेगेटिव यही रहेगा, अगर जो थोड़ा एनिमेशन मूवी अगर पसंद नहीं करते हैं तो उनको ज़्यादा पसंद नहीं आएगा ये। और इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नेगेटिव नहीं है, बस पूरा सब पॉजिटिव ही है। वही जबरदस्त आप देखिए फिल्म, उसके डायलॉग्स हो गए। इसका मेन आपको थीम बात करता हूँ ये है कि मतलब क्या दिखाया गया है कि लाइफ में क्या कि बिना कोई मकसद के कोई मजा नहीं आता। तो मेन जो अपने 22 हो गया जो गार्डनर बने हुए हैं, इनका जो मेन लीड है, इनका यही रहता है कि बिना मकसद के लाइफ में कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या है कि उसका मकसद यही रहता है कि मैं अपना एक म्यूजिक मतलब कॉन्सर्ट में जाके परफॉर्म कर सकूँ, ताकि मैं वर्ल्ड को दिखा सकूँ कि हाँ मेरी जो काबिलियत है। तो जो अपने 22 रहते हैं वो बीच में थोड़ा क्या होता है कि हतोत्साहित हो जाता है, वो वहाँ से आना नहीं चाहता कि हाँ मैं वही मतलब स्वर्ग में ही रहूंगा वहीं पे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मैं एक बार चांस देता है उसको जो गार्डनर। आप देखिए इसको पहले बता दूंगा पूरा मजा नहीं आएगा, तो लास्ट तक आप देख इसको एंजॉय करिए कि मतलब लास्ट में होता क्या है। बहुत ही जबरदस्त कहूँगा। नेगेटिव तो थोड़ा ये हो गई, इसके डायलॉग जो बहुत ही अच्छे लगते हैं कि जब बोलता है कि भाई
कि बिना मकसद के जिंदगी में कुछ भी नहीं है। हाँ ये भी है कि अगर आपका मकसद पूरा भी ना हो तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे की मतलब हेल्प करके तब भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप मतलब खुशी पा सकते हैं आप। मेन इसका थीम बहुत बेस्ट है। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब 2020 की बेस्ट आप याद करेंगे। हाँ कोई मूवी बनी है मतलब बहुत ही जबरदस्त मूवी, आप देख सकते हैं इसको। मैं तो देखा, सो खूब इंजॉय किया, आप भी देखिए। तो जहाँ तक स्टार की बात है तो इसे मैं देना चाहूंगा 5 में से 4.5 स्टार। और जहां तक पेरेंटल गाइडलाइन की बात है तो इसमें कुछ ऐसे सीन है ही नहीं, आप समझ सकते हैं एनिमेशन मूवी है। मतलब क्या बताऊं, इतनी जबरदस्त जो कैरेक्टर्स आप मतलब उसमें ढल जाएंगे, जाए अपने वो जो गार्डनर हो गए या 22 हो गई या उनकी मम्मी हो गई। आप मैं आपसे कुछ थोड़ा जो बीच में वो रहता है कि जो रोल साथ मतलब आते हैं सीन में बात करना चाहूंगा। जैसे बीच में क्या हुआ कि जो अपने 22 हैं, जब वो आते हैं अपने धरती पे तो वो महसूस करते हैं कि जो जैसे पत्ते गिरता हुआ पेड़ से, वो जो कुछ खाते हैं जो बर्गर हो गया, मतलब वो फील करते हैं वहां पे उनको कुछ स्वर्ग में फील ही नहीं होता है, तो वो रहना चाहता है। तो बीच में ऐसा कुछ कॉमिक सीन दिखा दिया गया है कि आप वहां से जाके दौड़ते हैं, वो अपने जो गार्डनर जो वो दौड़ाते हैं 22 को, आप देखिए सो फील करिए। मतलब बहुत ही जबरदस्त ना गजब सोनी पिक्चर्स में उसको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, उन्होंने इतनी जबरदस्त मूवी बनाई। और मेन पॉइंट इसका ये है कि आप बच्चों के साथ मतलब बुजुर्ग हर वर्ग के और मतलब व्यूअर्स इसको देख सकते हैं। सब मिला के यही था, मैं कहूंगा इसको देखिए, आप इंजॉय करिए, ये मस्ट वॉच है 2020 की। जाते जाते साल मतलब जैसे निकल रहा है, बहुत ही बेस्ट है। चलिए आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।